एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग? अभी मैं यहाँ पे एक वीडियो शूट कर रही थी, जो कि मेरा शूटिंग तो हो गया है, अब मुझे एडिटिंग अभी करनी होगी। तो लेकिन उसके लिए यहाँ सारा जो मैंने सामान फैला रखा है, फैलाना मतलब ये जो मैं निकालती हूँ ना, उसको रखना होता है। जो वीडियोस बनाते हैं हम लोग, तो फिर उसके बाद सामान बहुत फैल जाता है। अगर क्लोथिंग हॉल है तो वो सारा पहन के दिखाना, उसको आपको शो करना, उसके बारे में बताना, वो सब मेरा हो गया है। मैं इसको थोड़ा सा फोल्ड कर लेती हूँ। और पीयू जी क्या कर रही हैं आप? पीयू एसी को देख रही है, हवा खा रही है ठंडी ठंडी। हाँ, गर्मी लग रही थी आज, पता है धूप बहुत ज्यादा है, गर्मी हो गई थी। और जब कपड़े बार बार बदलो तो ज्यादा गर्मी लगती है, शायद मुझे ऐसा लगता है। तो वही मैं यहाँ पे एसी चलाई थी अभी, और अब बंद कर दूंगी। मौसम वैसे ठीक है, इतना गर्म नहीं है, बट कभी कभी बहुत ज्यादा गर्मी लगती है। सो, मैंने अपने कपड़ों को पैक कर दिया है वापस से, अब मैं इसको चेंज कर लेती हूँ। और अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं, अभी को मुझे लेकर के थोड़ी देर सुलाना होगा। सोती नहीं है अभी थोड़ी देर सिर्फ लेटेगी, रेस्ट करेगी, और फिर उसके बाद शाम की तैयारी शुरू हो जाएगी। फिर चलिए थोड़ी देर में मिलती हूँ, थोड़ा सा चेंज वेंज करूंगी और पीयू को लिटाती हूँ। मैंने अभी ये कुछ सामान निकाला है, जो कि मैं अपनी मदर इन लॉ को इस बार करवा चौथ में देने जा रही हूँ, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसमें आप देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो बस मैं निकाल रही थी, तो मैंने सोचा चलो आज के व्लॉग में आपको दिखा देती हूँ। ये बैंगल है, बैंगल मैंने पिंक कलर के लिए, क्योंकि ये जो मम्मी के लिए मैंने सूट लिया है ये इससे मैच करती हुई है। और मैंने आपको दिखाया था ना कि मैंने एक बड़ा ड्रेस लिया है, आप लोगों ने उसे बहुत सारे लोगों ने गेस कर लिया था कि ये ड्रेस आपने अपनी मदर इन लॉ के लिए लिया है। तो जी हाँ, ये वाला ड्रेस मैंने मम्मी के लिए लिया है, इसी की मैचिंग की चूड़ियाँ निकाली हैं। साथ में ये कॉम है, एक कंघा मैंने ले लिया है। गई थी मैं ना उस दिन मार्केट सामान लेने के लिए, तो यही छोटी मोटी चीज़ें थी, जिसमें सिंदूर है, ये पेंसिल वाला, मम्मी लिक्विड वाला सिंदूर कम लगाती हैं, पेंसिल वाला लगाती हैं, तो मैंने उनके हिसाब से ही लिया है। यहाँ पे काजल है और आईब्रो पेंसिल है, साथ में ये मैंने यहाँ पे एक लिपस्टिक मंगाई है, ये ऑनलाइन मंगाई थी, नेल पेंट है, मम्मी बड़ी बिंदी लगाती हैं तो उनके लिए बड़ी बिंदी ली है। और ये क्लेचर मैं उस दिन लेकर के आई थी, आपने देखा होगा जब मैं गई थी सामान लेने, तो मैंने दिखाया था ये लेकर के आई थी। और ये मैं ऑनलाइन ही मम्मी के लिए मैंने ये गले का सेट मंगाया है ज्वेलरी में, तो ये मैं रख रही हूँ थाली में। थाली को अच्छे से सजाया जाता है, कपड़ा रेड बिछा लो। और यहाँ पे मैंने एक फाउंडेशन रखा है, साथ में मैंने यहाँ पे एक फेस वॉश भी रखा है, मम्मी फेस वॉश लगाती हैं इसीलिए, और ब्रश वाला उनको पसंद है, तो इस बार मैंने उनके लिए एक ब्रश वाला मंगा लिया था फेस वॉश। साथ में मैंने यहाँ पे कुछ रुपए भी रखे हैं, रखे जाते हैं रुपए भी थाली में अच्छे से सजा करके। और हमारे यहाँ पे खाना बनता है, जो बायने में निकलता है ना खाना, मिठाई, ड्राई फ्रूट, तो आपकी इच्छा है आप जैसे भी जितना दे सको, सो उसी तरह से मैं भी करती हूँ। जब मम्मी मिलती हैं तो फिर मैं उनको दे देती हूँ। ये इतना ही नहीं दे रही हूँ, इसके अलावा भी और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन ये तो मैंने बस निकाला है देने के लिए, अभी पूजा करने के लिए। फिर जब मैं मम्मी को फेस टू फेस जब मिलती हूँ तो उसमें तो और मैं चीज़ें ऐड कर दूँगी, ऐड करती हूँ। तो वही मैं बस निकाल रही थी, क्योंकि अब कल है करवा चौथ, जब ये व्लॉग आप देखेंगे तो अभी तो नेक्स्ट डे ही करवा चौथ है, तो ये सब तैयारी मैं धीरे धीरे करती जा रही हूँ कि एंड टाइम पर कहीं मैं कुछ भूल ना जाऊँ। तो बस यही है, आपके साथ मैंने शेयर किया। और आप लोग बताइएगा, आप लोग कैसे करते हैं, क्या क्या देते हैं अपनी मदर इन लॉ को, क्या क्या होता है आपके यहाँ पे, बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा। और मैंने यहाँ पे साड़ी नहीं निकाली है, क्योंकि मम्मी मेरी जो है वो साड़ी थोड़ा कम पहनना पसंद करती हैं। कुछ लोग साड़ी भी निकालते हैं, मतलब वो आपकी इच्छा के ऊपर है ना, आप ज़्यादा कम क्या देना चाहते हो उसी तरह से आप अपनी मदर इन लॉ को दे सकते हो।
आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ एक प्रोडक्ट का रिव्यू शेयर करना चाहती हूँ, जो कि है नेचर श्योर का प्रीमियम कलौंजी ब्लैक सीड्स टैबलेट्स। ब्लैक सीड ऑयल के बारे में आप सब जानते हैं, ब्लैक सीड के बारे में आप सब जानते हैं, इसको कहते हैं हिंदी में कलौंजी, और कलौंजी हमारे लिए एक संजीवनी बूटी का काम करती है। इसके पहले भी मैं आप लोग को ये सब बातें बता चुकी हूँ, सो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल वीडियो बता देती हूँ इसके बारे में। तो ये 100% नेचुरल होता है, सेफ है, इफेक्टिव है, इसमें 90 टैबलेट्स हैं और इसका जो प्राइस है वो 395 रुपीज है। ऑनलाइन आपको ये आराम से इजिली मिल जाएगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। इनकेस आपको ये लेना चाहते हैं, आप पसंद आता है आपको ये प्रोडक्ट, तो आप मेरे दी गई हुई लिंक से परचेज कर सकते हैं। तो चलिए अब इसके बारे में जान लेते हैं कि ये क्या है, कैसा है और इसे किस तरह से यूज करना है। सबसे पहले इसके पैकेजिंग की बात करते हैं। ये इस तरह के कंटेनर में आता है, ये इसका जो बॉक्स है ये दफ्ती का है, और जब हम इसको ओपन करते हैं तो इसके अंदर आपको एक प्लास्टिक का कंटेनर मिलता है, जो कि कुछ इस तरह की बॉटल है। ऊपर गोल्डन कलर का लेड लगा हुआ है, ब्राउन कलर की प्लास्टिक की पैकेजिंग है। यहाँ पे साफ साफ मेंशन है ये नेचुरल है, ये प्रीमियम कलौंजी ब्लैक सीड टैबलेट्स है, जो कि नेचुरल ब्लेसिंग फॉर हेल्दी लाइफ के लिए है। तो इसका जो इंग्रेडिएंट है वो है कलौंजी सीड्स का एक्सट्रैक्ट, यहाँ पे बिल्कुल साफ साफ मेंशन है, और यूज करने का तरीका यहाँ पे दिया हुआ है, टेक 2 टैबलेट विद वाटर ट्वाइस और थ्राइस अ डे। तो आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं, बट आप अपने फिजिशियन से एक बार जरूर कंसल्ट कर लें, उसके बाद आप इसको ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इस मेडिसिन को हमें कब कब लेना चाहिए और हम किस किस लिए इसको ले सकते हैं, इसको संजीवनी बूटी क्यों कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे यहाँ लिखा हुआ है, ये आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करता है, बूस्ट करता है, आपके एनर्जी पावर को बढ़ाता है, आपके ब्लड प्रेशर को ये रेगुलर रखता है, मतलब मेंटेन रखता है, और हेल्प इन मैनेजिंग डायबिटीज, अगर आपको डायबिटीज है तो ये उसको भी मेंटेन करता है। आपके अगर जॉइंट्स में बोन्स में दर्द होता है तो ये उसको भी स्ट्रेंथ देता है, और आपकी बॉडी एंड माइंड को रेजुविनेट करता है, आपके डाइजेशन सिस्टम को भी ये बूस्ट करता है, आपके ब्रेन को ये हेल्दी बनाता है, और अगर आपको सोने का डिसऑर्डर है, मतलब आपको नींद नहीं अच्छी आती है, तो भी आपको अच्छी नींद आती है, ऐसा इसका क्लेम है। मतलब इनका कहना है कि अगर आप ये मेडिसिन यूज करते हैं, ये टेबलेट्स यूज करते हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम्स अगर आप फेस कर रहे हैं, लाइक आपको नींद नहीं आ पा रही है, आपकी डायबिटीज अप डाउन होती रहती है, आपको भूख नहीं लगती है, आपके हेयर फॉल होते हैं, ब्लड प्रेशर होता है, तो इन सारी बीमारियों से आप सिर्फ एक इस मेडिसिन से ही आपको हेल्प मिल सकती है। तो अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप जरूर इसको एक बार ट्रायल करिए, एक बार इसको आप ट्रायल दे सकते हैं, लेकिन अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही। मैं हमेशा आपको बोलती हूँ, अगर आप कोई भी सप्लीमेंट लेते हैं, अगर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही आप कोई भी मेडिसिन इनटेक करें। की जो शेल्फ लाइफ है वो भी मैं आपको बता देती हूँ, तो शेल्फ लाइफ आपकी 2020 से लेके 23 तक है, तो आराम से आप इसको यूज कर सकते हैं। चलिए ओपन करके दिखाती हूँ अंदर, जब आप इसे ओपन करते हैं, यहाँ पे आपको एक सिल्वर कलर का पेपर मिलता है, जो कि मैंने हटा दिया है, और ये अंदर आपको यहाँ पे कॉटन दी हुई है। उसके बाद आपकी यहाँ पे एक्चुअल जो टेबलेट्स हैं वो ब्लैक कलर में है। चलिए अब अपने ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और मैं रेडी हो गई हूँ, हम कहीं बाहर जा रहे हैं, सो मैंने सोचा इस व्लॉग का एंड कर देते हैं, थोड़ी सी बात आपसे कर लेते हैं। शाम का टाइम है, वर्मा जी लग रहा है आ गए हैं। कौन है पीहू? डैडी आ गए? हाँ, तो पीहू के डैडी आ चुके हैं और बस हम लोग यहाँ पे तैयार हो रहे हैं, मतलब मैं तो तैयार हो गई हूँ और पीहू के डैडी आ गए हैं, वो भी तैयार हो जाएंगे। तो मैंने आपको आफ्टरनून में दिखाया था कि मैं बायने में इस बार अपनी मदर इन लॉ को क्या क्या देने वाली हूँ, वही मैंने आज आपको इस ब्लॉग में आज शेयर किया। तो वही मैं निकाल रही थी, मतलब लगा रही थी बॉक्स में, मैंने एक बॉक्स लिया है, उसमें मैं सब कुछ सेट कर देती हूँ। गर्म है पीहू थोड़ा दूर, तो उसमें ही मैंने सेट कर दिया है। और मेरा मेकअप कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइएगा। ये देखिए, ये वाइट कलर की इयररिंग्स जो मैंने आपको दिखाई थी,
वही मैंने पहनी है और बहुत ही आई लुक मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मतलब मैं इस तरह से बहुत हल्का सा करती हूँ बट मेरे को अच्छा बहुत लगता है। और बालों को मैंने स्ट्रेट किया है और चलिए दिखाती हूँ मैं आपको, वर्मा जी से हाय हेलो करवाती हूँ, मिलवाती हूँ। हेलो वर्मा जी भी आ गए हैं तो इधर हैं वर्मा जी। हेलो हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, कैसा था आज आपका दिन? आज का दिन अच्छा था, बढ़िया। यस, तो अभी बस हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं तो मैंने व्लॉगिंग सुबह से स्टार्ट की थी बट आपको नहीं लिया था तो अभी व्लॉग का एंड करने के लिए मैं आपको ले आई हूँ। तो आप कुछ कहना चाहते हैं मेरे दर्शकों से? आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत खुश रहिए हमारी तरह। यस, हमारी तरह। और पीहू भी कुछ कह रही है। हाँ। और बहुत एंजॉय करिए हर एक दिन को। लाइफ इज अ वन टाइम अपॉर्चुनिटी, लाइफ जो है सिर्फ एक बार की अपॉर्चुनिटी है जो आपको मिलती है, तो एक एक दिन बहुत ज्यादा कीमती है, ध्यान रखिए। ओके तो चले फिर पीयू, बाय करें। चलिए बाय। ओके बाय बाय। ओके बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं कल एक और अच्छे से इंटरेस्टिंग से व्लॉग के साथ। व्लॉग लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा भाई, बहुत मेहनत से बनाते हैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे व्लॉग्स और मोटिवेशन मिलता है आपका लाइक्स देख करके, पैसे नहीं मिलते हैं लाइक के। तो चलिए मिलते हैं कल, बाय बाय, गुड नाइट।